हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अच्छे कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि फिल्मोरा को आप अपने लो एंड पीसीज में किस तरह से स्मूथली रन कर सकते हो। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हैं, पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही स्मूथ और अच्छे से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो, रेंडर कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं मेरे फिल्मोरा के अंदर। और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप अपनी फिल्मोरा को इंस्टॉल कर लोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक चीज करनी है, वो ये है कि यहाँ पर जो ऊपर ये फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जाना है, प्रेफरेंसेस के अंदर जाना है, उसके अंदर ये जो परफॉर्मेंस है वहां पर ये दोनों आपको अनेबल करना है। रिमेंबर, बाकी आप कुछ भी अनेबल ना करो तो भी चलेगा, पर ये जो है इन दोनों को आपको हमेशा अनेबल रखना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने मेरा ग्राफिक्स कार्ड लिया है। आपके केस में अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो वो प्रोसेसर का ही जो ग्राफिक्स होता है वो ले लेगा, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद आपको और एक चीज़ करनी है, वो ये है कि यहाँ पर अगर आप मेरे प्रीव्यू विंडो के नीचे देखोगे तो यहाँ पे 1/2 लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसे 1/4 करता हूँ और मेरे वीडियो को मैं प्ले करता हूँ, राइट? तो आप प्रीव्यू विंडो पे देखिएगा कि क्या इफेक्ट आता है। तो देखा आपने, जो मेरा प्रीव्यू विंडो है वो बहुत ज्यादा मतलब अजीब आ रहा है, उतना क्लियर नहीं आ रहा है, राइट? तो अगर मैं अभी इसे वापस से 1/2 पे करता हूं तो आप देख सकते हो कि मेरा वीडियो है वो क्लियर स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहां पर ये चीज होती है। अगर आप लोग चाहो तो आप 1/2 रख सकते हो या फुल भी रख सकते हो, जितना आपको प्रीव्यू विंडो के अंदर क्लियर चाहिए, मतलब ये जो प्रीव्यू विंडो है इसके अंदर आपको जितनी क्लियरिटी चाहिए उतना ही आपका पीसी लोड लेगा, ओके, और सॉफ्टवेयर लैग करेगा। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 1/4 पे रखो ताकि आपका पीसी भी लैग ना हो और आपकी एडिटिंग स्मूथ हो। इससे आपके वीडियो क्वालिटी पे कोई भी असर नहीं गिरता। ये जो सारे फंक्शंस है ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीव्यू विंडो के लिए ही है, ओके। अब गाइस, जो तीसरी टिप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी लोग ना इसी के अंदर बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन चूज किया है जो कि है काइन मास्टर या फिर आप किने मास्टर भी बोल सकते हो। तो उसकी हेल्प से आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन नजर आएगा। सेटिंग्स के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी और वहां पर आपको डिवाइस इन्फॉर्मेशन के अंदर जाना है। और डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जो ऊपर 3 डॉट्स है वहां पर अगर आप क्लिक करके रन एनालिसिस करते हो तो आपके डिवाइस के सपोर्ट के हिसाब से सारी चीजें आती हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको मेरे डिवाइस के हिसाब से सारी चीजें दिखेंगी। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो आपको 1080p का रिजोल्यूशन मिलेगा जो कि मेरा मेन लेयर होगा। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी, मतलब मेन लेयर के बाद में और कितने लेयर्स एड कर सकता हूँ रिजोल्यूशन वाइज। तो ये चीज आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। सेम सिमिलर प्रोसेस होता है हमारे डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर के लिए भी। अब अगर मैं बात करूं डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप अगर 4 GB रैम वाला डेस्कटॉप यूज कर रहे हो और उसके अंदर आप क्वालिटी कंटेंट के हिसाब से 1080p में शूट की गई जो वीडियो है उसे एडिट करना चाहते हो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जो आपका मेन वीडियो है, मेन जो आपने शूट की हुई वीडियो है वो रहती है 1080p के अंदर। और उसके अंदर अगर आप और लेयर्स डालते हो, जैसे कि काइन मास्टर के अंदर आपने देखा, अगर आप उसी लेयर के ऊपर और एक लेयर डालते हो जो कि 1080p की अगर वो रही तो आपका जो पीसी है लैग करना स्टार्ट कर देगा। अगर वही सेकेंड लेयर 720p या 480p की अगर होती है तो आपका पीसी लैग नहीं करेगा। तो यही चीज, यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको आपके पीसी के हिसाब से एडिटिंग करना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब्सक्राइब का बटन जो कि ग्रीन स्क्रीन के अंदर है, राइट? अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट का यूज करते हैं सब्सक्राइब के लिए या फिर इंस्टाग्राम के लिए, सोशल मीडिया के लिए। अब वहां पे जब आप उन्हें डाउनलोड करते हो तो आपको 1080p में डाउनलोड नहीं करना है, आपको 720p में डाउनलोड करना है अगर आपका लो एंड पीसी है। तो उस समय क्या होगा कि जब आप 1080p का जो आपका मेन वीडियो होगा उसी के ऊपर अगर आप 720p का लेयर लगाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी जो वीडियो है या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। एडिटिंग के टाइम पे भी लैग नहीं करेगा, रेंडरिंग में भी लैग नहीं करेगा और एक्सपोर्टिंग में भी लैग नहीं करेगा। बहुत ही ज्यादा स्मूथ और इजीली आपका सॉफ्टवेयर रन करेगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है आपका अगर लो एंड पीसी है और आप अच्छी तरह से लैग फ्री एडिटिंग करना चाहते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी सब्सक्राइब कीजिए। होप यू सी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।